हेलो ऑल एंड वेलकम टू रिकॉग्निशन आईएएस। कोरोना की प्रॉब्लम डे बाय डे बढ़ती जा रही है, इसके केसेस लगातार आपको टैली बॉक्स में देखने को मिल रहा होगा कि बढ़ते जा रहे हैं। इसके मेडिसिन या फिर एंटीडोट के बारे में बात करें तो अभी भी उस पर रिसर्च चल रही है और कोई भी एक कॉन्क्रीट डेवलपमेंट अभी सामने निकल के नहीं आया है। तो प्रेजेंट केस में अगर एज अ मेडिसिन बात करें तो केवल और केवल प्रिवेंशन ही बचती है जो हमें कोरोना से बचा सकती है। इस प्रिवेंशन के तौर पे कई सारे रिसर्च इंस्टीट्यूट और प्राइवेट बॉडीज ने अलग अलग ऐप बनाए हैं, अलग अलग टेक्निक बनाई है जिससे कोरोना से बचा जा सकता है। इस टेक्निक में जैसे कवच प्रोग्राम हो गई या फिर प्राण वायु हो गया और बहुत तरीके के इस तरीके के डेवलपमेंट किए गए हैं। इसी तरीके से गवर्नमेंट ऑफ इंडिया भी एक नए एप्लीकेशन के साथ आई है जिसको हम कोविड बीप के नाम से जानते हैं। तो इस सेशन में हम लोग देखेंगे बेसिकली कोविड बीप क्या है, किस मिनिस्ट्री ने निकाला है और इससे क्या बेनिफिट हो सकता है इंडिया को और हमें कैसे मॉनिटरिंग की जा सकती है कोरोना को लेकर के। तो हम लोग देखेंगे इस सेशन में। लेट अस स्टार्ट, लेट अस कंप्लीट एंड लेट अस क्रैक। बट बिफोर दैट, these are our contact details and these are the available courses on YouTube which are prelims special, mains special as well as test series based on the subscription. तो अगर कोरोना के बारे में बात करें तो अवेयरनेस और एंग्जाइटी से बचना यही एक मंत्रा है, यही एक की है टू फाइट कोरोना। इसके लिए गवर्नमेंट ने कोविड बीप नाम से एक इंडिजिनस ऐप निकाली है जो कि पेशेंट के शरीर में चल रही है या कह लीजिए कि बॉडी की मॉनिटरिंग है उसको कर रही होगी, जैसे ब्लड प्रेशर हो गया या फिर ऑक्सीजन की क्या सी चीजें चल रही है। तो ये सारी चीजें बेसिकली हम लोग देख रहे होंगे इस कोरोना, इस कोविड बीप के सहारे। अभी हम लोग देखेंगे बेसिकली ये काम क्या कर रही होती है। तो दिस इज टू इमर्ज एज एंटीडोट टू द ओरिजिनल कोविड। इसके बारे में अगर बात करें तो देखिए, जैसे ईसीजी को लेकर के अगर बात किया जाए तो कोरोना मरीज के जो ब्लड प्रेशर होता है लगातार उसको मॉनिटर करना होता है। ईसीजी को मॉनिटर करने के लिए कुछ क्लिप्स लगाई जाती हैं और इस क्लिप के लिए एक इनविजिलेटर या कह सकते हैं एक यहां पर डॉक्टर की प्रेजेंस या फिर मेडिकल पर्सनल की प्रेजेंस काफी ज्यादा जरूरी होती है जो लगातार ये ईसीजी को मॉनिटर कर रहा होता है। इसके कारण से कई सारा खर्चा एक्स्ट्रा बढ़ जाता है, जैसे पीपीई किट के लिए हो गया, प्लस साथ में एक हमें डर रहता है कि ये जो मेडिकल पर्सनल है ये भी कोविड पॉजिटिव हो सकता है बिकॉज कॉन्टैक्ट पॉसिबल है। तो इस वजह से अगर एक ऐसी टेक्निक, एक ऐसा डेवलपमेंट कर दिया जाए जिससे जो पेशेंट है वो खुद अपना ईसीजी कर ले, वो खुद अपना डेटा मॉनिटरिंग कर ले या फिर डॉक्टर बिना यहां पर प्रेजेंट हुए इसकी मॉनिटरिंग कर सके तो कितना अच्छा हो जाएगा। तो इसके लिए कोविड बीप ऐप निकाली गई है जो कि बेसिकली मॉनिटर करेगी एप्लीकेशन के जरिए, मोबाइल के जरिए, जहां पर पेशेंट भी देख सकता है और साथ ही साथ मेडिकल प्रैक्टिशनर भी इनके डेवलपमेंट या इनके बॉडी में जो भी ब्लड प्रेशर है या जो कुछ भी चीज है उसको ये लोग देख सकते हैं। अगर बात करें मिनिस्ट्री के बारे में तो बेसिकली मिनिस्ट्री ऑफ पर्सनल एंड पब्लिक ग्रीवांस एंड पर्सन ने ये एप्लीकेशन डेवलप की है। काफी अच्छी डेवलपमेंट बोली जा रही है क्योंकि गवर्नमेंट ने इंडिजिनियसली किया हुआ है। इसके बारे में अगर फुल फॉर्म देखें तो देखिए, कोविड बीप का नाम कंटिन्यूअस ऑक्सीजनेशन एंड वाइटल इंफॉर्मेशन डिटेक्शन बायोमेड ECIL ESIC पॉड, ये पूरा इसका नाम है। इसके बारे में अगर देखें तो दिस इज फर्स्ट इंडिजिनस कॉस्ट इफेक्टिव वायरलेस फिजियोलॉजिकल पैरामीटर मॉनिटरिंग सिस्टम फॉर द कोविड 19 पेशेंट जो कि डेवलप की गई है ESIC मेडिकल कॉलेज हैदराबाद के द्वारा इन कोलैबोरेशन विद IIT हैदराबाद एंड डिपार्टमेंट ऑफ एटॉमिक एनर्जी। इसके लेटेस्ट वर्जन के बारे में अगर बात करें क्या क्या ये काम कर रही होती है, तो ये काम करती है NIBP मॉनिटरिंग। NIBP का मतलब होता है नॉन इन्वेजिव ब्लड प्रेशर। एक होती है जहां पर इन्वेजिव, जहां पर सीरिंज के सहारे आपकी ब्लड टेस्टिंग की जाती है, दूसरी होती है जहां पर केवल और केवल इक्विपमेंट्स लगा करके नॉन इन्वेजिव तरीके से ब्लड प्रेशर मॉनिटर किया जाता है। इस ब्लड प्रेशर को मॉनिटर करने में अगेन एक मेडिकल प्रैक्टिशनर की जरूरत पड़ती है जो कि कोविड पॉजिटिव पेशेंट के कॉन्टैक्ट में आने के कारण ज्यादा थ्रेट रहता है कि वो भी कोविड पॉजिटिव हो सकता है। तो इसके लिए ये ऐप रिस्पॉन्सिबल रहेगी कि ये सारा का सारा बीपी मॉनिटर कर सके। दूसरी है ECG मॉनिटरिंग। यहां पर भी अगेन सेम चीज है, हार्ट बीट को ये मॉनिटर कर रहा होगा इस ऐप के जरिए, साथ ही साथ रेस्पिरेटरी रेट को भी ये मॉनिटर कर रहा होगा। तो अब किसी भी मेडिकल प्रैक्टिशनर की जरूरत नहीं होगी,
रियल टाइम डेटा लगातार मोबाइल ऐप के जरिए मिलता रहेगा और इससे कोरोना का खतरा भी कम रहेगा। अगर इसके बेनिफिट्स के बारे में बात करें तो देखिए बहुत सारे बेनिफिट्स हो जाते हैं। जैसे पहली बेनिफिट तो यही हो गई कि पीपीई किट बचता रहेगा। पीपीई किट अगर बचेगा तो बहुत सारी इसकी जो कॉस्ट बनाने में आ रही है वो नहीं लगेगी और साथ ही साथ लिमिटेशन की वजह से इसका सही और जुडिशियस यूज बेसिकली किया जा सकेगा। साथ ही साथ कॉन्टैक्ट अगर रिड्यूस रहेगा तो कोविड के स्प्रेड होने का जो थ्रेट है वो भी बचेगा। इसके अलावा रियल टाइम डेटा हमें मिलता रहेगा, जो भी जिस समय का डेटा देखना है, चाहे वो मेडिकल प्रैक्टिशनर को देखना हो, डॉक्टर को देखना हो या फिर पेशेंट को देखना हो, वो सारा डेटा ये देख सकेंगे। इससे एक जो अवेयरनेस है वो भी जनरेट होगी और साथ ही साथ जो एंग्जाइटी डेवलप हो रही होती है वो डेवलप नहीं होने पाएगी। तो ये थी पूरी डिस्कशन हमारे कोविड बीप के बारे में। अगर आपको कोई डाउट या क्वेरी या सजेशन होती है तो आप इन सोर्सेज का यूज करके हम तक रीच आउट कर सकते हैं। चलिए फिर मिलते हैं अपने नेक्स्ट वीडियो में कुछ इसी तरीके के नए फैक्ट के साथ। तब तक के लिए थैंक यू सो मच।